2025 सीट 220 और फिर से नीतीश। पटना के जेडीयू कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक में यही तय हुआ कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। पार्टी ने इस बार एनडीए के साथ मिलकर बड़ी रणनीति बनाई है। क्या है रणनीति, बताएंगे आपको। जेडीयू की चुनावी रणनीति की, चुनाव में नीतीश एनडीए का चेहरा होंगे और एनडीए के साथ रणनीति तैयार होगी। टारगेट को अचीव करने का टास्क है। देखिए रिपोर्ट। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में नई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत सभी मंत्री, सांसद और विधायक उपस्थित रहे। इनके साथ पार्टी के 400 सदस्य भी बैठक में शामिल हुए, लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बैठक में नहीं पहुंचे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए 220 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य दिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि 2010 में 2006 सीटें एनडीए ने जीती थीं। उस समय तीर धनुष को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। दरअसल तब जेएमएम और जेडीयू के चुनाव सिंबल को लेकर कुछ विवाद हुआ था। अपने भाषण में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की ओर से मिली आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद किया। 2024 का चुनाव ये शो कर दिया, आज भी नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता है। और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, उन्होंने टारगेट दिया है कि 220 सीट हम एनडीए को जीतना। ये टारगेट सिर्फ जेडीयू के लिए नहीं है, ये टारगेट पूरे एनडीए के लिए है, भाजपा के लिए भी है, या अन्य जो पार्टी है, सहयोगी पार्टी, उनके लिए टारगेट दिया है कि ये जीतना है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जितना हमारे पास साधन था वो सब काम हम लोग करते रहे। 24,000 करोड़ के बजट को हम लोग 3,00,000 करोड़ तक ले गए। लेकिन हम लोगों ने हमेशा डिमांड किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, या उसमें टेक्निकल कोई अड़चन है तो बिहार को विशेष आर्थिक सहायता मिले। उन धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी को और जो अन्य नेता हैं कि इस बार के बजट में बिहार में खास करके सड़क में, पर्यटन में, उद्योग में, फ्लड मैनेजमेंट में जो विशेष सहयोग दिया है केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, और आगे भी उन्होंने कहा हुआ है कि और भी सहयोग मिलेगा। तो इतना काम तो हो रहा है, और ये केंद्र का ये सहयोग हो जाएगा, ये डबल इंजन की सरकार 2030 तक विकसित प्रदेश में बिहार। संगत पंगत की बात है, साथ में बैठ करके भी आप लोग पर तय करेंगे हम लोग। नीतीश कुमार के नेतृत्व वर्ष 2025 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जेडीयू नेताओं को टास्क दिया गया। नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, इसलिए मजबूती से चुनाव में जुटना है। जो आगे चुनाव है उसमें हम लोगों को लगना है, संगठन को मजबूत करना है, और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें हम सब लोग मुस्तैदी से लगेंगे, ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से, उनको हम सब लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभी से लगेंगे, फिर से 2/3 बहुमत से हम लोग 2025 में जीतेंगे, यही लक्ष्य है। आज जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में तमाम मेरे सम्मानित साथी मौजूद थे, माननीय विधायक, माननीय सांसद, तमाम सम्मानित साथी को टास्क दिया गया है कि बिहार के कोने में कोई भी छोटा भी काम रह गया हो आप बताएं, वो काम को पूरा कराएं। ये नेता नीतीश कुमार जी काम के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं, देश में ही नहीं। और नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 2005 के बाद, काम करने का जो तौर तरीका इनका रहा है, इस पर हम सबको सीखना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ 2025 के चुनाव एक तरफा चुनाव होगा नेता नीतीश कुमार के कारणों की वजह से। 2025 में एनडीए गठबंधन 225 सीट लाए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बने, ये मुख्य उद्देश्य हमारे बैठक का। कुछ इंगेजमेंट होगा, उनको आना चाहिए था, लोग सब पूछ रहे हैं, लेकिन उनका कुछ इंगेजमेंट होगा। केंद्रीय मंत्री भी आदरणीय ललन बाबू, तो अपने कुछ कार्य से वो बिजी होंगे, इसलिए नहीं आप। जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 6 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ समन्वय बनाने के लिए संगत पंगत कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें प्रखंड स्तर तक के एनडीए के नेता नियमित तौर पर मिलेंगे, आपस में चाय और नाश्ते पर चर्चा होगी। इसमें वे विपक्षी दलों की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करेंगे। दूसरा,
सम्मान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसमें समता पार्टी के दौरान जुड़े रहे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से पार्टी के नेता संवाद करेंगे। तीसरा, लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी गई, जिनके नाम और काम पर चुनाव लड़ा और जीता गया। चौथा, नीतीश कुमार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और इस पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। पांचवा, जातीय गणना कराने और इसके आधार पर आरक्षण लागू करने को लेकर फिर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया गया। और छठा, नौकरी और रोजगार का मतलब नीतीश कुमार का प्रस्ताव पास हुआ। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कुछ नेताओं ने की है। इस पर संजय झा ने कहा कि बिहार शब्द गाली बन गया था, उसे नीतीश कुमार ने सम्मानित किया। बिहार का नाम आज देश और दुनिया में है, इसलिए उन्हें कोई भी अवार्ड मिलता है तो वो भी कम है। नीतीश कुमार जी ने जो हम लोग तो नहीं देखे, चंद्रगुप्त मौर्य को किताब में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन 13 करोड़ बिहार के लोगों को, सभी जात और धर्म, जो बिहारी एक गाली शब्द हो गया था देश दुनिया में, अगर एक आदमी ने बिहारी की इज्जत पूरे देश दुनिया में बढ़ाई, आज लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, वो नीतीश कुमार है। कोई भी अवार्ड उसके सामने में, जितना काम उन्होंने किया है, वो कोई बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन मिलता है तो बिहार के लोगों को बहुत खुशी होगी। बहरहाल जेडीयू चुनावी मिशन मोड में आ गया है। नीतीश कुमार विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं नेताओं को टास्क दे रहे हैं। जाहिर है पार्टी हर हाल में 2025 में सत्ता में वापसी चाहती है। इसके लिए 220 से अधिक सीटें जीतने के लिए पार्टी ने एनडीए के साथ रणनीति बनाई है। तो एनडीए की मीटिंग भी जल्द तय होगी और जिलों में ये मीटिंग होगी, और सिर्फ मुख्यालय स्तर पर मीटिंग नहीं होगी। स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार ने कर दिया है और इस लक्ष्य के मुताबिक अब एनडीए को जोर लगाना है और 220 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदीप के साथ आशुतोष चंद्रा का सिस्मी न्यूज पटना।